की शाम एक झील के नाम लेक व्हिच इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट स्वीट साल्ट लेक इन इंडिया बट इन ऑल ऑफ एशिया चिलिका लेक इन ओरिसा नियर बे ऑफ बंगाल। आकांक्षा जी ने पूरे 4 साल 2004 से 2008 तक की अथाह मेहनत लगाकर यह फिल्म बनाई और अब तक यह फिल्म तकरीबन 8 से 10 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित की गई है। It took her 4 years to make this film, and when she started, she had no funding. She started this film with her own resources and her own passion. Akanksha ji, जो कि जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय कहानीकार हैं, जिन्हें कई विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, वह एक प्रसिद्ध कहानीकार होने के साथ साथ एक कथावाचक एवं ध्यान संचारिका भी हैं। We are fortunate to have with us Akanksha ma'am, who is an internationally acclaimed non-fiction filmmaker with many international awards. She is also a celebrated storyteller and meditation facilitator. हम सब यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से आंतरिक प्रकृति की बात कर रहे हैं, योग, संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। इसके साथ साथ एक बाह्य प्रकृति भी है जिसका संबंध इन तीनों चीज़ों से है, और ज़्यादा मैं कहूँ संस्कृति की यदि हम कोई डेफिनेशन कर सकते हैं तो वो बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति का सामंजस्य, उनका कोऑपरेशन, उनका सहयोग कैसा हो। हजारों साल पुरानी बात है, येलो रिवर चीन की एक बहुत बड़ी नदी, कुछ कुछ हमारी गंगा की तरह, उसमें बहुत बाढ़ आने लग गई। एक साल वो तो एक साल, दो साल, तीन साल, 10 साल, 20 साल, 30-40 साल तक। राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। उनके एक बड़े प्यारे मित्र थे जिनका नाम था गुण, उनके बड़े सारे गुण थे। तो राजा ने गुण को बुलाया और कहा कि देखो, ये नदी ने तो हम सबको बर्बाद कर दिया है, किसी तरह से इसको अपने कब्जे में लो, किसी तरह से इसके ये तीव्र आवेग को पकड़ो, थामो, ताकि ये हमें बर्बाद ना करे। गुण ने भी ठान ली कि किसी ना किसी तरीके से वो इस नदी को सबक सिखा के ही रहेंगे। उन्होंने खूब ध्यान किया, खूब तप किया और सोचा कि अब तो नदी रही या मैं रहा। अगर मैं नदी को नहीं अपने कब्जे में ला पाया तो फिर मैं अपनी जान ले लूँगा। एक रात सोते सोते गुण के जो विजन्स कहते हैं उनको एक छब सी आई, एक मिट्टी के बारे में, कि एक प्रकार की मिट्टी जो एक पहाड़ के नीचे देवताओं ने रखी हुई है, उस मिट्टी को लेकर वो आए और डैम्स और डाइक्स बनाए, यानी बड़े बड़े बांध बनाए जाए और किसी तरह से इसके आवेग को पकड़ा जाए। ठीक, गुण ने बनाया। अब तो लड़ाई छिड़ गई थी, नदी एक जगह और गुण एक जगह। जब मौसम अलग हुआ तो गुण ने डैम्स बनाए, डाइक्स बनाए और पूरी तैयारी की कि नदी अब किसी तरीके से इस ओर आए ना। मगर बारिश का मौसम आया और 3 दिन में गुण के सब डैम्स, सब डाइक्स यूं तोड़े नदी ने, सर्वनाश। फिर गुण ने देखा और प्रतिज्ञा थी, उस जमाने के लोग दूसरे थे। उसने बोला कि अब तो जीवन अपना जाना है। उसने ठान ली कि अब मृत्यु का आलिंगन करना है। मगर उससे पहले उसने अपने बेटे यू को बुलाया और उसको कहा कि यू, मैं तो इस नदी को अपने कब्जे में नहीं ले पाया, ये मेरी प्रतिज्ञा अब तुझ तक, तू इस नदी को किसी तरह से संभाल। ये कहकर गुण चले गए और उन्होंने अपनी जान ले ली। यू बहुत प्यारे व्यक्ति थे, उनकी एक पत्नी थी, बच्चा था। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को आखिरी बार देखा और कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ,
और वापस तभी लौटूंगा जब मैं इस बाढ़ का तोड़ निकाल पाऊं। यूं निकल गए, चलने लगे पहाड़ से पहाड़, नदी के एक छोर से दूसरी छोर। नदी की आवाज़ उनको बड़ी कर्कश लगती थी, लगता था जैसे रो रही है, विलाप कर रही है। उनकी इच्छा नहीं होती थी नदी को सुनने की। चलते 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 साल बीता, दो साल बीते, तीन साल बीते। एक रात वो लेटे हुए थे चीन की एक पहाड़ी के पास, जहाँ से गोल घूमकर येलो रिवर जो है, कभी आप तस्वीरें देखिएगा गूगल करके, बहुत ही खूबसूरत और भव्य नदी है, ऐसे घूमकर जा रही थी। और यूँ वहाँ पर लेटे हुए थे, चांदनी रात थी, ऊपर सितारे टिमटिमा रहे थे, और यूँ ने ठंडी सांस भरी। उनकी सांस धीरे 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 और मध्यम और गहरी होती गई, और अचानक उन्होंने देखा कि नदी की जो कर्कश आवाज़ थी उनको संगीत के रूप में नजर आने लग गई। उनको अनुभव होने लगा जैसे नदी गा रही है, कुछ संगीत बरस रहा है। यू को उस वक्त एक जो शब्द है इल्हाम, एक रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने अपने भीतर अपनी नाभि पर हाथ रखा और उन्होंने कहा तोड़ मिल गया। उन्होंने नदी को पहली बार अपने जीवन में प्रणाम किया और वो निकल गए। उस समय चीन में अलग अलग राज्य होते थे, बड़े सारे क्लैंस होते थे, गुट होते थे, कम्युनिटीज होती थी, और कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। यूं ने ठानी कि वो जगह जगह क्लैन लीडर्स के पास जाएंगे और एक गुट को दूसरे गुट से बात करवानी शुरू करेंगे। उनका प्लान था कि वो नदी पे डैम्स नहीं बनाएंगे, वरन नहर बनाएंगे, कनाल्स बनाएंगे। नदी के आवेग को वो रोकेंगे नहीं, मगर उसको डाइवर्ट करेंगे ताकि उसका जो बहाव आ रहा है वो अलग अलग दिशा में बह जाए। और 13 साल तक, कहानी कही जाती है, चीन में कनाल सिस्टम्स बनाए गए। साथ मिलके पहली बार चीन का जो एम्पायर है वो यू ने बनाया। और अगले मौसम जब नदी में बाढ़ आई, उसका आवेग आया, तो इस बार नदी ने कुछ तोड़ा नहीं, मगर वो अलग अलग कोने में खेलती, नाचती, कूदती, भागती बह गई। पुरानी पीढ़ी गुण समझ नहीं पाई, उसने प्रकृति से लड़ने की कोशिश की। नई पीढ़ी ने प्रकृति के साथ सामंजस्य, एक कोऑपरेशन की, सहयोग की कोशिश की, जो फल लाई। हमारे भी साथ, हमारे जमाने में, इस युग में यही हुआ है। पुरानी पीढ़ी जो हमको देखे गई है वो हम देख ही रहे हैं। गंगा के ग्लेशियर्स के हाल, क्लाइमेट चेंज की बात, वातावरण में प्रदूषण, बाह्य प्रकृति का जो नाश हो गया है वो हमारे आपके सामने है। हम यूनिवर्सिटी में हैं जो गंगा के बड़े करीब है, और बहुत सी नव नूतन ऊर्जा हमारे जो छात्र हैं उनमें यहाँ पे है। तो आप सबसे, मुझे तो उम्मीद है कि आप भी यू की तरह प्रकृति का सहयोग लेंगे और नई नई नहरें बनाएंगे, खुद के भीतर की ऊर्जा और धरती की ऊर्जा को नए नए तरीके से बहाने का तरीका ढूंढेंगे। आप सबको प्रणाम करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए। थैंक यू वेरी मच।